इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य और सत्ता के केंद्र के रूप में दिल्ली की बादशाहत का अंत हो गया था। सन 1800 के आते आते शाहजहां की दिल्ली का वो हाल हो गया कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। एक के बाद एक हो रहे हमलों की वजह से मुगल साम्राज्य मौजूदा समय की दिल्ली के बेमुश्किल चंद हिस्सों में सिमट कर रह गया था। एक तरफ जहां मराठा सत्ता पर काबिज हो गए थे, वहीं अंग्रेज भी धीरे धीरे पांव पसारने लगे थे। मायूसी और निराशा के इस दौर के बीच 19वीं शताब्दी के पहले भाग यानी पहले 50 वर्षों में दिल्ली का एक बार फिर अचानक उदय हुआ, लेकिन सत्ता केंद्र के रूप में नहीं बल्कि सांस्कृतिक केंद्र के रूप में। इतिहासकार और लेखिका स्वप्ना लिडिल ने कई सालों तक दिल्ली के इतिहास की इस दौर का अध्ययन किया है। वो हमें बताती हैं कि शाहजहानाबाद के लिए हालात कैसे बदले। दिल्ली का जहां तक सवाल है, 18वीं शताब्दी का जो आखिरी जो शतक, आखिरी जो कुछ दशक आते हैं, उसमें दिल्ली की काफी बुरी हालत हो जाती है तब तक, क्योंकि एक तो ये है कि मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका है और साथ ही साथ कुछ ऐसी ताकतें जो उठ रही थी, मराठे थे, सिख थे, जाट थे, इनमें जो आपस में जो मुठभेड़े थी, जो कश्मकश थी, उसमें इतनी जो लड़ाइयां हुई उसमें दिल्ली पिस गई और दिल्ली का की जो इकोनॉमी थी वो खत्म हो गई या बहुत कम हो गई। दिल्ली के जो पुराने खानदान थे, उमरा थे, उनके जो रिसोर्सेस थे वो खत्म हो गए। काफी बुरा असर पड़ा दिल्ली पे, कई लोग छोड़ छोड़ के चले भी गए, तो दिल्ली की जो पॉपुलेशन थी वो भी कम हो गई। तो इसके बाद जब 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को हरा कर जब दिल्ली के ऊपर कब्जा किया, ये 1803 में हुआ, और उससे वक्त से एक नया दौर दिल्ली के इतिहास में शुरू होता है। और वो नया दौर ये है कि एक तरफ तो लाल किले में मुगल बादशाह जैसे थे वैसे हैं, उनका राज्य नहीं है, क्योंकि दिल्ली के ऊपर भी जो रोजमर्रा का जो राज है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का है। और धीरे धीरे ये जो दौर जैसे आगे हम बढ़ते हैं, इसमें बहुत अजीब चीजें होने लगती। एक तो ये है कि जो लड़ाई है वो खत्म हो गई है, तो आसपास में कृषि बढ़ती है, लोग तिजारत बढ़ती है, पैसे लोगों के हाथ में और आते हैं, तो एक तो पीस और प्रॉस्पेरिटी जिसको हम कहते हैं वो शुरू हो जाता है। तो एक तो ये होता है और साथ में जो एक सांस्कृतिक तौर पे जो बदलाव आ रहे हैं, वो नई सोच आ रही है, नए तरीके से लोग सोचना शुरू करते हैं, और ये जो कल्चरल चेंज है, ये सांस्कृतिक जो बदलाव आ रहा है दिल्ली में, ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है मुझे लगता है देखना, क्यों ये इतनी अहम बात है कि एक तरफ तो जो पुरानी संस्कृति है वो साथ साथ चली आ रही है, और ये जो संस्कृति है ये साहित्य के ऊपर आधारित है, जैसे उर्दू शायरी है, एक तालीमी पद्धति पे है, एक एडुकेशन सिस्टम, एक शिक्षा का जो निजाम है उसके ऊपर है। इस नींव के ऊपर एक नई सोच आती है अंग्रेजों के साथ, और यही दौर है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दौर है वो किसी हद तक काफी अलग है। ये दो जो धाराएं हैं वो कैसे बीच में यहाँ मिलती हैं, ये 19वीं शताब्दी को देखना बहुत दिलचस्प बना देता है 19वीं शताब्दी को। और साथ ही साथ ये भी देखना कि ये जो दौर है जब 1857 का विद्रोह आता है और ये दौर खत्म हो जाता है, तो उस वक्त इसका, ये जो दौर खत्म होने इसका क्या मतलब है, और इसका जो हमारी जो आगे की जो का जो इतिहास है उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ता है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। 19वीं शताब्दी का शुरुआती दौर बहुत दिलचस्प था। एक तरफ राजनीतिक उठापटक चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ सत्ता
अंग्रेजों के हाथों में जा चुकी थी। इन घटनाओं के बीच चांदनी चौक और शाहजहानाबाद की गलियों में एक अलग ही धुनें गूंज रही थी। ये दौर बड़े अंतर विरोधों का तो था ही, साथ ही इसी दौर में महान शायर जोंक, मोमिन, अंतिम मुगल बादशाह और शायर बहादुर शाह जफर और गालिब भी थे। पुरानी दिल्ली में आप आज भी गालिब का घर देख सकते हैं, जिसे स्मारक में तब्दील कर दिया गया है। 19वीं सदी की जो दिल्ली है, उसमें जो जहां तक उर्दू शायरी का सवाल है, ये एक बहुत ही हाई पॉइंट जिसे कहते हैं होगा, क्योंकि यही दौर है गालिब का, मोमिन का, बहादुर शाह जफर खुद का, ज़ौक का, ये सब एक साथ, एक पूरा एक पीढ़ी है जो एक साथ आती है दिल्ली में, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है जो उर्दू शायरी में, वो कोई उससे मना नहीं कर सकता है। और ये नतीजा है दो चीजों का, एक तो थोड़ा सा जो स्टेबिलिटी आ गई है, कुछ लोग हैं अभी भी जो कि इन मुगल बादशाह जो है वो खुद इनको बढ़ावा देता है, इन शायरों को, उससे बहुत फर्क पड़ता है। कुछ और भी लोग हैं दिल्ली में उस वक्त जो कि इन शायरों को एक वो जगह देते हैं, एक मुकाम देते हैं कि ये अपनी शायरी कर पाए। दूसरी चीज कुछ और फिर आगे जो बढ़ती जाती है वो ये है कि जो कुछ थोड़ा सा प्रोग्रेसिव थिंकिंग आती है, वो भी उसकी जो उसकी जो वजह है वो अलग है, जो कि एक इंटेलेक्चुअल चेंज आ रहा है, एक नई सोच आ रही है, उससे भी बढ़ावा मिलता है। तो पुराने और नए का ये जो मेल जोल है, उसको लेके ये एक नई किस्म की शायरी या एक नया उसमें थोड़ा सा विगर आ जाता है, इसलिए हम लोग इसको एक बहुत ही बड़ा हाई पॉइंट मानते हैं उर्दू शायरी का भी। ये जो दौर है ये गालिब का भी दौर है, क्योंकि गालिब हालांकि वो आगरा में जन्मे थे, 13 साल की उम्र में दिल्ली में आ गए, और ये पहला दशक था 19वीं सदी का, और ये दिल्ली में आ गए और यहाँ रहना शुरू किया इन्होंने, और अपनी शायरी भी बहुत एक कम उम्र से शुरू कर दी थी। गालिब एक नवाबी खानदान से ताल्लुक रखते थे, और उनकी जो शादी हुई थी वो भी एक दिल्ली के बहुत जाने माने नवाबी खानदान में हुई थी। उनकी जो निजी जिंदगी का सवाल है, सबसे ज्यादा जो उनको बुरा लगा वो ये कि वो ऐसे दौर में जन्मे थे जबकि बादशाह, जिनसे उनको उम्मीदें हो सकती थी कि हाँ इनसे मुझे एक सपोर्ट मिलेगा, या क्योंकि पुराने जमाने में जो शायर होते थे, राजा महाराजा बादशाह उनको नवाजते थे, तो उनको लगा कि मैं ऐसे दौर में जन्मा हूं जब मुगल बादशाह के पास तो कोई पैसे नहीं है, कोई ऐसा रिसोर्सेज नहीं है कि मुझे वो कुछ दे सकें। और जहां तक नई सरकार का सवाल है, जो अंग्रेजी सरकार है, उसमें कोई ऐसा शायरों को कुछ मिलने का कम इम्कान है, तो इसलिए उनको हमेशा ये बात सताती रही कि वो इतने अच्छे शायर हैं, और वाकई थे, पर उनका हमेशा उन्होंने इसी चीज से उनको जूझते रहे, वो एक तो इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हमेशा उनको, जैसे कि उनको उनका कभी अपना घर नहीं हुआ, हमेशा किराए के मकान में ही रहे, एक मकान से दूसरे मकान में। जब मकान मालिक ने कह दिया कि भाई अब मुझे मकान की जरूरत है तो उसको खाली करिए, आप कहीं और जाइए, ऐसा करते करते वो हर एक जगह से दूसरे जगह, कभी लालकुएं में रहे, कभी बल्लीमारा में रहे, बल्लीमारा में ही उनकी उनके आखिरी दिन गुजरे, पर बल्लीमारा में भी 2-3 घरों में रहे। तो ये जो उनकी जो ट्रेजेडी है वो ये है कि इतना बड़ा शायर, वो भी उसको भी इस स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है इस दौर में, क्योंकि वो समय जो बदल रहा है उसको कोई नहीं रोक सकता। आखिर दौर में आते आते गालिब जिस किराए के मकान में रहे वो बल्लीमारा में था, गली कासिम जान में। ये गली कासिम जान और बल्लीमारा का जो इलाका है, ये एक एक शरीफ खानी खानदान, शरीफ खान एक बहुत जाने माने हकीम रहे हैं पुराने, उनके खानदान की काफी सारी जायदाद यहाँ पे थी, कई उनके घर थे, और उन्हीं के किराए के घर में
गालिब यहाँ रहते थे। 1857 में भी उन्होंने काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तब भी वो इसी यहाँ इसी के पास रह रहे थे। और जो इनका आखिरी घर है वहां पे गली कासिम जान में, उसी को अब गालिब मेमोरियल कहा जाता है, वो एक लैंडमार्क बन गया है और लोग वहां जाते हैं देखने के लिए। एक तरफ जहां शायर शाहजहानाबाद की महफिलों की रौनक बढ़ा रहे थे, वहीं कश्मीरी गेट के पास के इलाके में नए बाशिंदे यानी अंग्रेज आकर बसने लगे थे। अंग्रेजों ने यहाँ सन 1803 से आना शुरू कर दिया था। ये इमारत कभी मुगल शहजादे और मुगल बादशाह शाहजहां के लाडले बेटे दारा शिकोह के महल का एक हिस्सा हुआ करती थी। दारा शिकोह की उसके भाई औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि समय के साथ ये इमारत शिक्षा में प्रयोग का घर बन गई थी। ये बदलाव दिल्ली के इतिहास के उस दौर का एक उदाहरण है, जिस दौर में शिक्षा के मामले में पूर्व का पश्चिम के साथ मेल हुआ था। जब दिल्ली में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज शुरू हुआ तो अंग्रेज मुट्ठी भर थे, बहुत ज्यादा नहीं थे, और इन्होंने रहना शुरू किया कश्मीरी गेट के इलाके में। कश्मीरी गेट में इलाके में एक पुरानी हवेली हुआ करती थी, पहले दारा शिकोह की हुआ करती थी, और उसी हवेली में, उसी के एक हिस्से में अंग्रेजी रेसिडेंट जिसको कहते थे, जो कि सबसे आला अफसर हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का दिल्ली में, उसका वो घर बना दिया गया। तो वहां पे वो जो रेसिडेंसी बिल्डिंग थी, उसको आजकल दारा शिकोह लाइब्रेरी भी बोलते हैं, वहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रेसिडेंट भी रहता था। बाद में जाके यहाँ पे दिल्ली कॉलेज भी आया। पर ये जो इलाका है कश्मीरी गेट का, यहाँ पे अंग्रेज ना सिर्फ रहते थे, धीरे धीरे यहाँ पे सेंट जेम्स चर्च आया जो जेम्स स्किनर ने बनाया। तो ये एक छोटा सा एक ऐसा मोहल्ला बन गया था जो कि एक ब्रिटिश मोहल्ला, जिसको अगर मान लिया जाए तो कोई गलत ना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1820 के दशक में पूरे बंगाल में, और उन दिनों जो दिल्ली का इलाका था वो भी बंगाल गवर्नमेंट के अंदर ही आता था, और उन्होंने ये फैसला किया कि भारतीयों के की शिक्षा के लिए, उनकी तालीम के लिए कुछ इंतजाम हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हम सरकार अब चला रहे हैं। तो काफी देर लगी, पर सोचा कि हाँ करना चाहिए। और उसी वक्त इन्होंने कुछ कॉलेज बनाने शुरू कर दिया। आगरा कॉलेज इस वक्त बनता है जैसे, और एक कॉलेज बनाने का फैसला किया दिल्ली में। इसको बाद में जाके दिल्ली कॉलेज कहा जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज कहते थे पहले। अगर पीछे मुड़ के हम देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण एक घड़ी आती है कि दिल्ली कॉलेज उस वक्त बनाया जाता है, क्योंकि इस ये जो दिल्ली कॉलेज है आगे जाके इसका बहुत ही अलग, एक बहुत ही यूनिक स्वरूप बन के तैयार होता है। एक तो ये है कि जब ये शुरू हुआ इसमें तीन जबाने पढ़ाई जाती थी, अरबी, फारसी और संस्कृत, ये तीन जबाने सिखाई जाती थी। और बाकी जो इसका जो निजाम था, इसका जो पाठ्यक्रम था, ये कुछ मॉडर्न अंग्रेजी तौर के विषय उसके अंदर लाना था। और ये चाहे वो पॉलिटिकल इकोनॉमी हो, चाहे हिस्ट्री हो, ये सब चीजें लाना, ये एक तरीके से जो हमारा जो ट्रेडिशनल जो सिलेबस होते थे उससे थोड़ा सा फर्क था। और वो फर्क ये था कि जो हिंदुस्तानी तरीके थे उनमें जो एजुकेशनल सिस्टम था, जो सिलेबस था, उसमें एक तो धर्म का काफी रोल हुआ करता था। मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता था, पाठशालाओं में हिंदू धर्म के शास्त्र भी पढ़ाए जाते थे। अब ये जो है ये बिल्कुल निकाल दिया गया इस सिलेबस से, जो दिल्ली कॉलेज का सिलेबस है, तो बिल्कुल जिसे कहें आप सेक्युलर नॉन रिलीजियस सिलेबस हो गया ये। और साथ ही साथ जो वेस्टर्न साइंसेस थे, जो वेस्टर्न साइंसेस, क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स थे उसमें भी साइंसेस पढ़ाए जाते थे, बट वो हिंदुस्तानी तरीकों पे और हिंदुस्तानी टीचिंग पे आधारित थे, हिंदुस्तानी जो ख्यालात थे उसके ऊपर
उनका उनकी नींव थी, पर ये इस वक्त एक वेस्टर्न थिंकिंग, तो नई लेबोरेटरीज, नए एक्सपेरिमेंट्स जैसे कि ज्योग्राफी में, एस्ट्रोनॉमी में, ये सब आने लगे। और ये जो दौर है इसका एक नया फेज जब आया 1842 में, जब ये कॉलेज अपने अजमेरी गेट वाले जो पहला इसका जो घर था वो अजमेरी गेट में जो गाजीउद्दीन मदरसा है उसके अंदर था, जहां पे आज एंग्लो अरबिक स्कूल है। पर 1842 में ये जो कॉलेज है इसका पूरा रिऑर्गेनाइजेशन हुआ और उसके बाद इसको कश्मीरी गेट ले आया गया, और तब से असल में इसका एक बिल्कुल नया दौर शुरू होता है जिसमें बहुत ही अलग अलग तरह के काम हुए। और उसमें एक प्रिंसिपल थे फिलिक्स बुथरुस, जो फ्रांसीसी थे पर उनका मूल मिस्र से था, तो वो इजिप्शियन थे, और इन्होंने एक बिल्कुल नया किस्म का सिलेबस चालू किया। वो ये था, उसका जो मकसद था वो ये था कि लोग अपनी जबान पढ़ें, साथ में अंग्रेजी भी पढ़ें, और जब अंग्रेजी पढ़ रहे हैं साथ साथ में जब इनका जो साइंसेस हैं, जो साइंस है, जो हिस्ट्री है, जो इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ना है, वो सब अपनी जुबान में यानी कि उर्दू में पढ़ें, जो अपनी वर्नैक्युलर है, क्लासिकल लैंग्वेज नहीं, अरबी में ना पढ़ें, संस्कृत में ना पढ़ें, फारसी में ना पढ़ें, उर्दू में पढ़ें, क्योंकि उर्दू उनकी जुबान है, उसमें वो सीख पाएंगे आसानी से। पर अंग्रेजी का मतलब ये है कि आप अंग्रेजी पढ़िए तो आप फिर आपको एक सरकारी नौकरी मिलने का चांस ज्यादा है, आपके लिए और जो दूसरी जो किताबें हैं वो पढ़ना आसान हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं वो साथ साथ चल रही हैं कि आप क्लासिकल लैंग्वेजेस भी पढ़िए, आप अंग्रेजी भी पढ़िए, और आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, जो बाकी सब्जेक्ट्स का है, वो आप उर्दू में पढ़िए। ये जो है ये आगरा से और कलकत्ता से तो खैर बहुत फर्क, ये एक नया प्रिंसिपल था जो कि फिलिक्स बुथरुस ने यहाँ पे चलाया। ऐसा नहीं है कि पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत सिर्फ दिल्ली कॉलेज से होकर वहीं तक रह गई थी। इसके पहले अंग्रेज सन 1800 में अपने मुख्यालय कलकत्ता में पश्चिमी शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज खोल चुके थे। इसका मकसद युवाओं को अंग्रेज प्रशासन में नौकरियों के लिए तैयार करना था। बहरहाल दिल्ली कॉलेज की कहानी कुछ अलग थी। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में जो चालू किया था अंग्रेजों ने, उसका मकसद भी ऐसा था कि एक तो जो लड़के आते थे विलायत से हिंदुस्तान में काम करने के लिए, उनको भाषाएं सिखाई जाएं, भारत के बारे में कुछ बताया जाए ताकि वो इस देश को समझ सकें और फिर अपना काम आगे बढ़ा सकें। उससे तो खैर बहुत ही फर्क था दिल्ली कॉलेज, क्योंकि दिल्ली कॉलेज में तो सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों के लिए ये था, और ज्यादातर यहाँ पे दिल्ली से लोग थे, पर दिल्ली से आसपास के भी लोग आया करते थे, पंजाब से और जगहों से, तो ये उनके लिए था। अब कुछ हद तक इसका मकसद भी ये था कि जो ये लोग आगे बढ़ के दिल्ली कॉलेज में पढ़ाई करके निकलेंगे, ये सरकारी नौकरियां करेंगे, और जो लोग, जो लड़के इसको ज्वाइन भी करते थे, वो भी इसी ख्याल से करते थे कि हम इसमें पढ़ लेंगे तो शायद हमको एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो वो तो खैर था ही, पर वो ये भी चाहते थे कि जो आम तौर पे जो हिंदुस्तानी लोग हैं उनकी सोच बदले, थोड़ा सा उनमें थोड़ा सा बदलाव आए, वो वेस्टर्न साइंसेस वगैरह की तरफ और जाएं। और ये जो मकसद है, ये सारा जो मकसद है, ये जो है इस, ये दिल्ली कॉलेज के सिलेबस को बहुत अलग बना देता है फोर्ट विलियम कॉलेज से। और आगे जो बढ़ के यहाँ पे काम होने लगता है, जैसे कि नए साइंटिफिक जर्नल्स निकालना, ये सब भी एक काम है जो कि कुछ हद तक यहाँ के स्टूडेंट्स ने आगे बढ़ाया दिल्ली कॉलेज के काम को, बट अपने इनिशिएटिव पे। तो अगर हम लोगों की बात करें, अगर कोई, मैं दो एग्जांपल्स देना चाहूंगी यहाँ के एलमनस के। एक है मोहनलाल कश्मीरी। मोहनलाल कश्मीरी
दिल्ली कॉलेज की पहली अंग्रेजी क्लास के स्टूडेंट थे। अंग्रेजी क्लास यहाँ पे मेरे ख्याल से 1827 में चालू हुई और या 28 में शायद पहली हुई होगी। और मोहनलाल कश्मीरी भी इसके एक छात्र थे और मोहनलाल कश्मीरी कुछ साल यहाँ पे पढ़ के और फिर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में चले गए। और अफगान वॉर जो हुआ है उसमें मोहनलाल कश्मीरी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि ये जो थे मोहनलाल कश्मीरी, एक तरफ तो ये फारसी बहुत अच्छी तरह से जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, तो जो ब्रिटिश जो आगे पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्ट में जो अपने पांव बढ़ा रहे थे, तो उनके लिए ये एक मीडिएटर का काम करते हैं मोहनलाल कश्मीरी। और ऐसे कई और भी लोग थे पर मोहनलाल कश्मीरी ने ये काम बहुत ही खूबी से किया। और क्योंकि ये अंग्रेजी जानते थे तो इन्होंने बाद में जाके इसके बारे में एक किताब भी लिखी जो कि ब्रिटेन में काफी पढ़ी गई। और इस किताब में उन्होंने असल में ब्रिटिश पॉलिसी का भी बहुत फ्रेंकली शायद क्रिटिसिज्म लिखा था। तो वो जो चीज है, एक ऐसा तबका अब दिल्ली में तैयार हो रहा है लोगों का जो कि ये तालीम लेके अंग्रेजों से अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। इसका भी एक नतीजा ये है कि इनकी पहुंच अब इंग्लैंड तक हो रही है। तो मोहनलाल कश्मीरी भी इंग्लैंड जाते हैं, उनकी जो किताब है वो इंग्लैंड में पढ़ी जाती है। दूसरे एक ऐसे शख्स हैं मास्टर रामचंद्र मैथमेटिशियन थे। उनकी जो बचपन की पढ़ाई थी वो हिंदुस्तानी तरीके से अपने घर में इन्होंने काफी की, अंग्रेजी फिर दिल्ली कॉलेज के अंग्रेजी क्लास में इन्होंने ज्वाइन किया तो इंग्लिश पढ़ी। मैथमेटिक्स में बहुत इनका इंटरेस्ट था और इन्होंने ओरिजिनल रिसर्च किया, एक किताब लिखी प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। और ये किताब इंग्लैंड में काफी सराही गई, काफी पढ़ी गई और इनका नाम इसी से हुआ है। तो जहां तक अंग्रेजी का सवाल है, ये इन लोगों जैसे कि मोहनलाल कश्मीरी और मास्टर रामचंद्र को एक जरिया देते हैं कि वो आगे जाके एक नई ऑडियंस को एड्रेस करें, अंग्रेजी स्पीकिंग ऑडियंस को। ये वो वक्त था जब उर्दू दिल्ली में मशहूर हो गई थी। इसमें दिल्ली कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही क्योंकि वहाँ पढ़ाई का माध्यम उर्दू ही था। दिल्ली कॉलेज का उर्दू साहित्य पे, उर्दू तालीम पे भी काफी असर रहा है और सबसे ज्यादा है उर्दू प्रोज के ऊपर, क्योंकि अब तक ये होता आ रहा था कि जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे अक्सर पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन में, जो मदरसों में पढ़ाए जाते थे, वो फारसी में पढ़ाए जाते थे। और अब दिल्ली कॉलेज में ये शुरू हुआ कि उर्दू के जरिए सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। आप लैंग्वेज अलग पढ़ेंगे पर आप जो सब्जेक्ट्स हैं उर्दू में पढ़ेंगे और उससे जो उर्दू प्रोज राइटिंग है उसको काफी बढ़ावा मिलता है। पर दिल्ली कॉलेज ही नहीं है, दिल्ली कॉलेज के बाहर भी उर्दू प्रोज में काफी तरक्की हो रही थी। और वो इसलिए हो रही थी, एक तरफ आपके शाह वलीउल्लाह हैं, उनके बेटे हैं, ये एक बहुत बड़े उलेमा थे जिन्होंने बहुत बड़ा मदरसा चलाया था 18वीं शताब्दी, उनके बेटे थे शाह अब्दुल अजीज और उनके भाई भी थे। उन्होंने काफी कुछ खास तौर पे धार्मिक टेक्स्ट लिखना शुरू किया था उर्दू प्रोज में, काफी उर्दू प्रोज किस्से कहानियां लिखी जा रही थी, काफी काम हो रहा था। फोर्ट विलियम में तो ये पहले भी शुरू हो चुका था, पर फोर्ट विलियम में भी अक्सर अगर देखा जाए तो कई उनके जो टीचर्स है जैसे मीर अमन दहलवी, वो भी दिल्ली के ही थे आखिर। तो ये सारी जो चीजें सिर्फ दिल्ली कॉलेज में नहीं है, दिल्ली कॉलेज के बाहर भी ये नसर प्रोज राइटिंग है काफी आगे बढ़ रहा था। इसमें दिल्ली के अखबारों ने भी बहुत बड़ा एक रोल निभाया है, क्योंकि दिल्ली से कई सारे अखबार निकलने शुरू हो गए। और ये अखबार तो पहले भी निकलते थे पर वो हाथ से लिखे हुए होते थे और उस तरह से जनरल सर्कुलेशन नहीं था उनका। और ये जो अखबार आए, जो प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद 1830 के दशक में बहुत सारे, कई सारे अखबार दिल्ली से निकलने लगे। इनमें से दो तीन अखबार जो कि दिल्ली कॉलेज से ही निकला करते थे, फवायदुन्नाजरीन, मुहिब्बे-ए-हिंद, ये ऐसे अखबार थे जो कि रिफॉर्म में बिलीव करते थे। तो इसमें साइंटिफिक, जो दिल्ली कॉलेज वाले अखबार थे वो साइंटिफिक
बातों पे बहस होती थी, कुछ सोशल रिफॉर्म के ऊपर, कुछ रिलीजियस रिफॉर्म के ऊपर भी इसमें लिखा जाता था। और इसका मकसद ये था कि आम जो जनता है उसमें भी ये नई सोच जो कि दिल्ली कॉलेज में पनप रही है वो भी उन तक पहुंचे। पर जो बाकी अखबार थे, जैसे कि दिल्ली उर्दू अखबार की बात की जाए, दिल्ली उर्दू अखबार के भी एक जो के साथ जो संपादक कनेक्टेड है, मोतीलाल हैं या फिर मोहम्मद बाकिर हैं, ये भी दिल्ली कॉलेज के ही थे। और इन्होंने एक नया जर्नलिस्टिक स्टाइल शुरू किया कि हम रिपोर्टिंग करेंगे, हम ऑथेंटिक रिपोर्टिंग करेंगे और साथ में लोगों को ऐसी रिपोर्टिंग करेंगे कि लोगों को की जो सोच है वो बेहतर हो, जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स। और इसमें काफी एडिटोरियल कमेंट आता है अगर ये अखबार देखें कि वो चाहते थे कि नई तरह की जर्नलिज्म हो जिससे लोगों का की बेहतरी हो और लोगों को इन्फॉर्मेशन ही ना मिले, उनकी उनकी जो सोच है वो भी बेहतर हो जाए। तो ये सारा जो काम है काफी हद तक दिल्ली कॉलेज में भी है और दिल्ली कॉलेज के एलमनाई जो हैं उनमें है, पर बाकी लोग भी हैं जैसे कि सैयद अहमद खान। हम लोग सैयद अहमद खान को अलीगढ़ से जोड़ते हैं पर वो भी आखिर दिल्ली वाले ही हैं और उन्होंने उनकी भी जो शुरुआती दौर है वो दिल्ली में ही बीतता है और वो काफी उनका जो काम है वो दिल्ली में किया हुआ है। ये जो सारा चाहे वो अखबार हो, चाहे नई तालीम जो दिल्ली कॉलेज से आ रही है, इससे दिल्ली के लोगों के दिमाग पे असर पड़ना शुरू होता है, नई सोच आती है धीरे धीरे। और जैसे कि कुछ अखबारों में अगर देखा जाए तो विडो रीमैरिज के ऊपर बात हो रही है, सुपरस्टिशंस पे बात हो रही है, शादियों में खर्चे ज्यादा ना हो उसके ऊपर बात हो रही है। एक जो किताब, एक और जो अलमनस थे दिल्ली कॉलेज के, करीमुद्दीन पानीपत से आए हुए थे और उन्होंने दिल्ली में कॉलेज में पढ़े भी, वहां पे पढ़ाया भी और एक उन्होंने प्रेस खोला और उनमें जो किताबें जो इन्होंने लिखी हैं बहुत दिलचस्प हैं। एक किताब जो कि अब हम लोग को मिलती नहीं है पर उनकी जो उन्होंने जो खुद जो लिस्ट बनाई कि ये मैंने किताबें लिखी उसमें उसका जिक्र किया है, वो है तालीम उन्निसा। ये बहुत ही दिलचस्प किताब है क्योंकि इसमें औरतों की कैसी एडुकेशन होनी चाहिए उसके ऊपर थोड़ा सा उसके ऊपर चर्चा की गई है। और उर्दू शायरी में भी जो नई सोच एक थोड़ी कुछ हद तक आने लगती है, करीमुद्दीन खुद हैं, मोहम्मद हुसैन आजाद भी हैं और दिल्ली कॉलेज से एक थोड़ा सा मूवमेंट शुरू होता है। इसके ऊपर मास्टर रामचंद्र ने बहुत लिखा कि उर्दू नसर को, उर्दू शायरी को पुराने ख्यालों से निकल के एक नई तरफ आना पड़ेगा। इनकी बात यह है कि ये जो पुरानी जो गजलें हैं जिसमें सिर्फ मोहब्बत की बातें हैं, इससे हमें आगे निकल के इस तरह की बातें करनी चाहिए जो कि हमको और आगे ले जाएंगी। तो ये सब जो चीजें हैं ये भी शुरुआत हो गई है दिल्ली में, पर इसके असर हमको कम दिखते हैं। और असर इसलिए कम दिखते हैं क्योंकि 1857 में इसके ऊपर एक बिल्कुल पूर्ण विराम लग जाता है। दिल्ली कॉलेज ने जो प्रगतिशील आंदोलन शुरू किया था वो सन 1857 में अचानक खत्म हो गया क्योंकि सिपाही मेरठ से दिल्ली आने शुरू हो गए थे। बहुत कम लोग ये बात समझ पाए होंगे कि सन 1857 में भारत की आजादी की पहली लड़ाई का जाने अनजाने में ही दिल्ली में चल रही बदलाव की हवा पर भी असर पड़ा था। दिल्ली की जो दिल्ली रेनेसों कह सकते हैं इसको, सी एफ एंड्रूज जो थे गांधीवादी थे, फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने इसको दिल्ली रेनेसांस बोला है। उसका एक सबसे बड़ा झटका जो उसको लगा है वो 1857 में लगा क्योंकि 1857 11 मई को मेरठ से जो सिपाही आते हैं उन्होंने वहां पे बगावत कर दी है, वो आके दिल्ली में भी बगावत का झंडा ऊंचा करते हैं। कोई इसके लिए तैयार नहीं था, बादशाह भी तैयार नहीं थे, अंग्रेज तो खैर थे ही नहीं। और इसमें एक दो चीजें होती हैं और उसमें ये है कि सिपाही जो हैं वो अपने साथ और लोगों को मिला लेते हैं, दिल्ली शहर के कई लोग थे जो उनके साथ मिल जाते हैं और उनका जो निशाना है वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी
के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ऊपर इनका निशाना होता है, और इसमें दिल्ली कॉलेज भी उस चपेट में आ जाता है। दिल्ली कॉलेज को वो एक अंग्रेजी इंस्टीट्यूशन देखते हैं और इसलिए उसको बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं, वो खत्म हो जाता है। तो एक तो ये होता है, दिल्ली में तो एक खाई बन जाती है उनकी, जो कि बगावत के साथ हैं, जो सिपाहियों के साथ हैं, पर कई लोग ऐसे भी थे और उनमें बाद में, खैर उस वक्त सैयद अहमद खान नहीं थे, बाद में वो आते हैं, जो जिनको लगता था कि हम इस तरह से अंग्रेजी सरकार का खात्मा नहीं कर सकते हैं, कि आपने सब कुछ उखाड़ के फेंक दिया, आपको जो पसंद नहीं है उसको आप अटैक कीजिए, पर आपने इस तरह से सब कुछ खत्म कर दिया, वो ठीक नहीं है। तो कई सारे लोग हैं जो अलग अलग मत हैं उनके दिल्ली में भी 1857 को लेके, पर जो प्रैक्टिकल जो नतीजा होता है वो ये है कि एक तो दिल्ली कॉलेज खत्म हो जाता है, दूसरा चीज है कि जब अंग्रेज वापस आ जाते हैं सितंबर में, वो दिल्ली को और भी तहस नहस कर देते हैं। तो दिल्ली के सारे जो पढ़े लिखे लोग थे, कई सारे, सब तो एक तो बाहर निकल जाते हैं, उनको बाहर फेंक दिया जाता है, महीनों तक वापस आने की इजाजत नहीं। तो ये जो लोग हैं अब नौकरी की तलाश में इधर उधर चले जाते हैं, कोई लाहौर चला गया, कोई रामपुर चला गया, कोई लखनऊ, कहीं कहीं जहां उनको जगह मिली, खासतौर पर रियासतों में, जैसे राजस्थान की रियासतों में, अलवर में, टोंक में, जो भी जहां भी उनको जगह मिली वो चले जाते हैं। तो दिल्ली खत्म हो जाती है। अब जब लोग ही रहेंगे तो संस्कृति कहाँ रहेगी और एडुकेशन कहाँ रहेगा, कुछ नहीं। तो इसलिए ये जो सारी जो चीजें हो रही थी वो उनके ऊपर एक फुल स्टॉप लग जाता है, एक पूर्ण विराम लग जाता है, और उसके बाद वो रिकवर नहीं कर पाती। दिल्ली कॉलेज का जो 11 मई 1857 में जो हाल हुआ, उसका हमको जो हाल है वो एक तो दिल्ली उर्दू अखबार से मिलता है, जो कि उस वक्त मोहम्मद बाकिर थे उसके एडिटर, और वो खुद बल्कि दिल्ली कॉलेज के ही अलमनस रहे थे, वो देते हैं, वो कहते हैं कि किस तरह से जो बागी सिपाही थे, वो नहीं पर उनके साथ जो एक भीड़ जमा हो गई थी, और ये भीड़ थी जिसको कि उन दिनों में ये लोग बदमाश भी कहते थे, ये जो के लोग, काफी सारे लोग थे जो कि इनके साथ इसलिए हो लिए कि अब हमें मौका मिल रहा है लूट करने का, मौका मिल रहा है लूटने का दूसरे लोगों को। तो ये जो है, ये लोग दिल्ली कॉलेज के अंदर घुसते हैं, इन्होंने सारे इनका फर्नीचर तोड़ा, इनकी जो सारी लेबोरेटरी के जो आलात थे, जो इक्विपमेंट्स थे, उसको तोड़ा, किताबों को फाड़ दिया। इस तरह से एक गुस्सा जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार के ऊपर था, वो दिल्ली कॉलेज के ऊपर निकाला, ये सोच के कि ये सरकार का एक सिंबल है, तो उसके ऊपर ये निकाला। और ये जो है, मोहम्मद बाकिर ने बहुत अच्छी तरह से इसका डिस्क्रिप्शन दिया है अपनी अपने अखबार में, ये मेरे ख्याल से 17 मई का जो इशू आता है उसमें ये बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने देखा कि लोग ये किताबों को फाड़ रहे हैं और फेंक रहे हैं हवा में। 1857 का जो, मुझे लगता है जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, वो बहुत ही खराब रहा शाहजहानाबाद के लिए। वो इसलिए कि अंग्रेजों ने ये अब समझ लिया कि, खैर दिल्ली वालों से तो उनकी नाराजगी थी, उनको तो सजा मिली ही, पर उसके साथ साथ अंग्रेजों में ये भी एक शायद कॉन्शियस लेवल पे या अनकॉन्शियस लेवल पे ये विचार एक बैठ गया कि ये जो दिल्ली वाला मॉडल था एडुकेशन का, संस्कृति का, एडुकेशन का खास तौर पे, जो गवर्नमेंट पॉलिसी का, ये मॉडल अब ये खत्म हो गया, अब इसको फिर से नहीं निकाला उठाया जा सकता। ये जो ट्रांसलेशंस का, ये तालीम जो कि उर्दू जबान में देनी है वेस्टर्न साइंसेस की, ये सब जो मॉडल है ये एकदम से खत्म हो जाता है। और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो खत्म हो जाते हैं। एक जिसका मैंने जिक्र अभी तक नहीं किया वो है दिल्ली आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी। एक ऐसा बॉडी थी और सिविल सोसाइटी की थी, ये सरकारी नहीं थी, जो बल्कि सरकारी उसमें ऑफिशियल्स थे पर सरकारी नहीं थी, और ये
आर्कियोलॉजिकल कंजर्वेशन एक्सकवेशन ये सब काम इसने करना चालू किया था, पर ये भी खत्म हो जाती है 1857 में और अंग्रेज की सरकार इसको वापस नहीं ला सकती है, नहीं लाती है। और अब ये के एक लेवल पे जहां पे हिंदुस्तानियों में और अंग्रेजों में जो कल्चरल इंटरचेंज वाला जो फोरम बना हुआ था, जो कि दिल्ली कॉलेज और तरीकों से दिल्ली में था, वो खत्म हो जाता है। और 1857 का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो दिल्ली के ऊपर है मेरे ख्याल से यही है कि और हिंदुस्तान के लिए भी कि ये मॉडल जो था ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लर्निंग, एक नई तालीम जो हिंदुस्तान में पैदा हो, वो जो मॉडल है वो खत्म हो जाता है, वो एक्सपेरिमेंट जो था वो खत्म हो जाता है। दिल्ली के मशहूर दिल्ली कॉलेज जिसे आज भी खूब जाना जाता है, उसकी बस यही इमारत बची रह गई है। ये वही संस्थान था जहां ये छोटी सी कोशिश की गई कि छात्र अपनी भाषा और अपने चश्मे से दुनिया को देख सके। लेकिन इतिहासकार स्वप्ना लिडल का मानना है कि दिल्ली कॉलेज से शुरू हुए आंदोलन की विरासत के कहीं ज्यादा दुर्गामी नतीजे निकले। ऐसा नहीं है कि दिल्ली कॉलेज जब खत्म हुआ तो उसकी कोई छाप नहीं पड़ी, क्योंकि ये छाप भी रहती है। क्योंकि अगर हम एलमनाई की बात करें, मोहम्मद बाकिर जिसका मैंने जिक्र किया जो दिल्ली उर्दू अखबार के संपादक थे, उनका बेटा जो था मोहम्मद हुसैन, वो भी दिल्ली कॉलेज का ही एलमनस था। वो मोहम्मद हुसैन आजाद कहते हैं उनको, मोहम्मद हुसैन आजाद लाहौर कॉलेज जाते हैं, साथ ही में अल्ताफ हुसैन हाली भी लाहौर पहुंच जाते हैं। ये लोग हैं जो दिल्ली के पढ़े हुए हैं, ये लाहौर कॉलेज में जाके ये जो शुरुआत हुई थी नए नई सोच की, नई विचारों की, ये जो शुरुआत थी अब लाहौर तक पहुंचती है और लाहौर में फिर आगे इसको बढ़ाया जाता है। जैसे कि जो इस्लाह जो रिफॉर्म होता है उर्दू पोएट्री में थ्रू आजाद और हाली, वो सब मेरे ख्याल से शुरुआत इसकी दिल्ली में हुई थी और इसका जो फ्रूशन होता है, जो इसका कल्मिनेशन होता है, वो लाहौर में होता है। तो ये एक लेगेसी है। दूसरी लेगेसी जो कि दिल्ली कॉलेज से उतनी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है पर फिर भी कुछ हद तक है, वो है द अलीगढ़ कॉलेज जो सर सैयद का बनाया हुआ है। सैयद अहमद खान भी दिल्ली के थे और वो खुद तो दिल्ली कॉलेज में नहीं पढ़े थे, पर उनके ऊपर भी उस जो वो जो माहौल था उसका असर पड़ा था। और वो साथ लेते हैं अपने मोहम्मद जकाउल्ला एक अलमनस थे दिल्ली कॉलेज के, और ये जाके एक नई तरह का प्रोग्रेसिव मॉडर्न एजुकेशन शुरू करते हैं एमएओ में अलीगढ़ में। और ये है शुरुआत जिसको हम आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं। इंसिडेंटली एक और लेगेसी है दिल्ली के उस दौर की जिसका हम बात उतनी नहीं करते हैं। ये दिल्ली कॉलेज की नहीं है बट दूसरी है। मोहम्मद कासिम नानोतवी, राशिद अहमद गंगोही, ये दो नाम हैं, ये दो शख्स हैं जो दिल्ली में पढ़े हुए थे, दिल्ली से बहुत प्रभावित थे और ये जाके फिर देवबंद में दारुल उलूम का भी की नींव डालते हैं 1857 के बाद। तो ये सारी जो दिल्ली के लोग जो 1857 में एकदम से तितर बितर हो जाते हैं इसको कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको दिल्ली को खत्म कर दिया, मानी कि सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ खत्म हो गई, इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए, तो लोग भाग गए यहाँ से। और ये जब भागते हैं तो इधर उधर जाते हैं और अंग्रेजी में जैसे कहेंगे व्हाट इज दिल्लीज लॉस इज अदर पीपल्स गेन, यू हैव एक दूसरी तरीके से दूसरी जगहों पे जो दिल्ली की जो लेगेसी है वो हमें आगे जाके मिलती है। मेरे ख्याल में ये जो कंपनी पीरियड है दिल्ली में 1803 से लेके 1857 तक, ये इसको हम एक ट्रांजिशन सोच सकते हैं कुछ मायनों में, कि ये जो ट्रेडिशन जो ओल्ड इंडिया है और न्यू इंडिया में एक ट्रांजिशन दिखा रहा है और हमें ये भी दिखा रहा है कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कि किस तरह से हम आगे जा सकते हैं, कि कैसे इंडिया की एजुकेशन, इंडिया की सोसाइटी कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकती है
तो वो सारी इसमें झलक इसमें दिखती है। पर मुश्किल यह है कि 1857 एक इतना वॉटरशेड हो जाता है कि कई सारी चीजें जो इसमें पहले दिल्ली के मॉडल में, दिल्ली रेनेसांस के मॉडल में थी, वो या तो एक तरफ हो जाती हैं या फिर एक नए सिरे से कहीं और शुरू होती हैं। तो मुझे लगता है कि इसको दो तरह से देखना चाहिए। एक तो दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें यह है कि जो प्री 1857 का जो जमाना है, जो कंपनी का जमाना है, वो दिल्ली के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सारा इंटेलेक्चुअल फर्मेंट हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। पर साथ साथ में जब हम पोस्ट 1857 का जमाना देखते हैं, वहां पे और थोड़ा सा क्राइसिस है, वो जो वाइब्रेंसी है वो नहीं है उतनी। हाँ है, फिर भी चल रहा है, कुछ कुछ चल रहा है, बट कुछ हद तक लाहौर जैसे है वो ज्यादा आगे बढ़ जाता है, अलीगढ़ ज्यादा आगे बढ़ जाता है, तो दिल्ली पिछड़ जाता है किसी कई मायनों में। तो जो सेकंड हाफ वाला जो का जो जमाना है वो थोड़ा सा फर्क है, और उसमें तभी चेंज आता है 1912 के बाद, जब एक बार फिर दिल्ली राजधानी बन जाता है क्योंकि अंग्रेज फिर वापस राजधानी, और वो एक बिल्कुल नया दौर है। तो ये एक एक ट्रांजिशनल पीरियड इसको माना जा सकता है, बट खैर इतना बड़ा पीरियड है कि इसमें काफी कुछ अपने तरह से हुआ, बहुत बदलाव आए। दिल्ली शहर के लिए 19वीं शताब्दी का समय बड़े अंतर विरोधों का दौर था। जिस मार्मिकता के साथ मिर्जा गालिब ने इस दौर को बयां किया है, वो शायद और कोई नहीं कर सकता। सब कहां कुछ लाला ओ गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। याद थी हमको भी रंगा रंग बज्म आराइयां, लेकिन अब नक्शो निगार ताके निसियां हो गई। मतलब ये है कि इतने सारे लोग थे, कितनी सूरतें थी जो खाक में मिल गई, जो बिल्कुल मिट्टी में मिल गई। कुछ के नक्श अभी दिखते हैं, और सारी जो मिट्टी में मिल गई है, कुछ लाला और गुल जैसे जिनको आप ट्यूलिप्स कहते हैं, गुल जो कि गुलाब कहते हैं, ये दिखती हैं अभी भी। उनकी जो लेगेसीज जिसकी हम बात कर रहे हैं कि क्या आगे जाके कुछ उनका निशान रहते हैं, पर कुछ हैं जिनके निशान रहते हैं और कुछ जो हैं वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई हैं। हमें भी बहुत कुछ याद थी, जैसे कहते हैं याद थी हमको भी रंगारंग बज्म आराइयां, और जो जो बज्में थी, जो महफिलें थी, उनकी हमें अभी अभी याद है, और कुछ जो हैं वो बिल्कुल ताक में रह गई हैं, जो कि उठा के ताक में रखती हैं, वो उनका उनकी याद भी अब भूल गए हैं हम। तो मेरे ख्याल से ये जो दो शेर हैं गालिब के, वो दिल्ली की जो का ये दौर है और उसका खत्म होना, उसको बहुत अच्छी तरह से दिखाता है।